हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मचने से 116 से ज्यादा लोग मारे गए। सत्संग में लाखों लोगों की भीड़ पहुंची थी। बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की होड़ मची थी। तभी पानी की बौछार की गई और जमीन फिसलन भरी हो गई। इसी वजह से लोग गिरते चले गए और कुचलने की वजह से इतना भयावह हादसा हो गया। सबसे बड़ा सवाल है कि लाखों की भीड़ जुटाने वाला बाबा आखिर है कौन? भक्तों की भीड़ जुटाने के लिए बाबा ने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया? कैसे मैसेज पहुंचाया? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में बाबा सत्संग करेगा, ये मैसेज हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक किसने पहुंचाया? भक्तों की भीड़ जुटाने के लिए बाबा ने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया? कैसे मैसेज पहुंचाया? हाथरस में सत्संग की घटना से जुड़े हर पहलू के बारे में बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि लाखों की भीड़ जुटाने वाला बाबा कौन है। नारायण साकार हरि एटा जिले की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी का रहने वाला है। नारायण साकार हरि को पटियाली वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी भी करते थे। इसके बाद ये बाबा यूपी में खुफिया विभाग में नौकरी लगने का दावा करते हैं। 18 साल की नौकरी के बाद उन्होंने 90 के दशक में वीआरएस ले लिया। इसके बाद नारायण साकार हरि प्रवचन करने लगा। अब अपने गाँव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये जो बाबा है ये करीब 20 साल से इनका वहाँ सत्संग चल रहा था और ऐसा कहा जाता है कि यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा से भक्त बड़ी तादाद में इनका सत्संग सुनने आते हैं। आज भी लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा थे। ये कहा जा रहा है कि परमिशन शासन से, प्रशासन से ली थी इस आयोजन के लिए, लेकिन अंदर का इंतज़ाम क्योंकि बाबा का वो प्राइवेट प्रोग्राम था तो बाबा को करना था। अब जो निकलने का रास्ता था वो बहुत सकरा था और बाबा को जाना था, बाबा वीआईपी हैं तो रास्ता रोक दिया गया था, इसलिए एकदम से भीड़ बाहर निकलने को आतुर थी। और जैसे ही वो दरवाज़ा रास्ता खोला गया, जब बाबा का काफिला आगे चला गया तो सब लोग जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में थे और उसी में यह हादसा हो गया, स्टैम्पीड हो गई और एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे जिसकी वजह से इतनी जानें चली गई। इस समय भी वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई है। जो लोग वहाँ पंडाल में हैं उनको वहाँ से घरों को पहुँचाया जा रहा है। अस्पताल का बुरा हाल है और जिसकी भी जिम्मेदारी है सरकार ये कह रही है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अध्यात्म की तरफ जाने के बाद उसने अपना नाम बदलकर साकार विश्वहरि रख लिया। साकार हरि अक्सर अपने समागम में दावा करता है कि उन्हें नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से अध्यात्म की ओर खींचकर उन्हें कौन लाया। भक्तों के बीच नारायण हरि कहता है कि उसका भगवान से साक्षात्कार हो चुका है। मैंने नमन किया, नमन करने के बाद में प्रभु ने एक संकल्प बुलवाया जो मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकते। परमात्मा की कृपा रहमत हुई, अब प्रभु जैसे मैं नमन करके और ऐसे करके जब उठे और इन नारायण साकार हरि जी का मैंने इसी स्वरूप में, इसी शरीर में नारायण साकार हरि जी का दीदार किया, साक्षात भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुजी रूप में। जब तक तन में प्राण है तब तक पुरुषार्थ जरूर कमाना। नारायण साकार हरि का अंदाज हिंदू समाज के पारंपरिक बाबाओं से बिल्कुल अलग है। वो अपने जुदा अंदाज में भक्तों के बीच देखा जाता है। नारायण हरि प्रणाम आपके चरणों। दूसरे बाबाओं की तरह नवो भगवा पोशाक पहनता है। बाबा के गले में किसी तरह की माला भी नहीं दिखाई देती। नारायण हरि सत्संग में भक्तों के बीच सफेद सूट, टाई और जूतों में नजर आता है। कई बार भक्तों के बीच कुर्ता पजामा और सफेद टोपी लगाकर भी आता है। साकार हरि की फैन फॉलोइंग कहां तक फैली है, अनुयायियों की संख्या कितनी है, सब बताएंगे। लेकिन पहले राजस्थान का ये वीडियो देख लीजिए। नारायण हरि को लेकर भक्तों में कैसी दीवानगी है, इसका अंदाजा आप वीडियो से लगा सकते हैं। नारायण हरि की गाड़ी के पीछे भक्त पागलों की तरह दौड़ लगाते हैं।
वेस्टर्न यूपी में नारायण हरि के सबसे ज्यादा भक्त हैं। आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ और बागपत में भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी वजह से इन जिलों में ही सबसे ज्यादा समागम होते हैं। यूपी के बाहर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लाखों की संख्या में नारायण हरि के फॉलोअर्स हैं। पिछली बार मेरी विधानसभा में ये इनका कार्यक्रम हुआ था प्रवचनकर्ता के तौर पर, और मैं बाबा को मिलने गई थी और उन्होंने मुझे तमाम जो समाज के पाखंड हैं उनके बारे में बताया, कैसे पाखंड से कुरूतियों से निकलें इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और मेरे साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में जो पाखंड है, जो कुरीति है, जो स्थान बना रही है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प और व्रत लिया है। बिल्कुल भक्त हूँ, बाबा अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी भी हूँ और हमारी पार्टी, हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक विरासत में बहुत भरोसा करती है। नारायण साकार हरि के सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का नाम दिया जाता है। बाबा कई प्रवचनों में दावा कर चुका है कि वो खुद की इच्छा से कहीं नहीं जाता बल्कि भक्त उसे बुलाते हैं, लेकिन सच इससे कहीं अलग है। सत्संग में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या किया जाता है, कैसे भक्तों को बुलाया जाता है, जान लीजिए। नारायण साकार हरि के सत्संग के लिए वीडियो संदेश तैयार किया जाता है। कई दिन पहले ही YouTube पर इस मैसेज को अपलोड किया जाता है। इस वीडियो में सत्संग की लोकेशन, पहुंचने का तरीका, ट्रांसपोर्ट की पूरी जानकारी दी जाती है। ये वीडियो भक्तों के बीच सर्कुलेट किया जाता है। हाथरस के सत्संग के लिए भी इसी पैटर्न पर भीड़ जुटाई गई थी कि आगामी 2 जुलाई 2024 जुलाई माह का प्रथम मंगलवार का विशाल मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन जिला हाथरस उत्तर प्रदेश में होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरा स्थान और पता बताएंगे। साकार हरि खुद को हरि का शिष्य कहते हैं। अक्सर अपने प्रवचन में ये कहता है कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है। साकार हरि के सत्संग में भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। समागम में दान दक्षिणा और चढ़ावा भी खूब आता है। बाबा का दावा है कि दान अपने पास नहीं रखते बल्कि भक्तों में खर्च कर देते हैं। इस समय उनके कई IAS और IPS अफसर शिष्य हैं। अक्सर उनके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। लोगों की शादियां भी कराई जाती हैं। नारायण साकार हरि हर महीने के पहले मंगलवार को खास प्रवचन करता है। उसकी खुद की एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम है जिसे भक्तों के बीच सेवादार और बाबा की प्राइवेट आर्मी के तौर पर पहचाना जाता है। साकार हरि की यह स्पेशल यूनिट काले रंग की पोशाक में रहती है। हर मंगलवार को होने वाले कार्यक्रम की पूरी कमान यही सेवादार संभालते हैं। श्रद्धालुओं के पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक का इंतजाम इन्हीं के कंधों पर रहता है। हमारा खाता बैंक में है और खाते में से पैसा निकाल के लाते हैं। नारायण साकार हरि के सत्संग में भक्तों के बीच एक खास पानी बांटा जाता है। इस पानी से जुड़ी कई कहानियां हैं, वो भी जान लीजिए। नारायण हरि के आश्रम में भी भक्तों के लिए दरबार लगता है। इस आश्रम के बाहर एक हैंडपंप लगा हुआ है। इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी भक्तों की लंबी लाइन लगती है। बाबा के फॉलोअर्स का मानना है कि सत्संग का पानी पीने से उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नारायण साकार हरि का खुद का YouTube चैनल है। नारायण साकार हरि का खुद का नारायण_साकारहरि नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। 19 जुलाई 2021 को यह YouTube चैनल बनाया गया था। YouTube चैनल पर बाबा के प्रवचन अपलोड होते हैं। कुल 207 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। चैनल के वीडियो पर कुल 27,18,744 व्यूज हैं। चैनल पर 30 जून 2024 को आखिरी वीडियो अपलोड किया गया। साकार हरि के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 75 पोस्ट किए जा चुके हैं। इस अकाउंट के कुल 4,623 फॉलोवर्स हैं। नारायण हरि कैंसर ठीक करने का भी दावा करता है। 19 फरवरी 2024 को YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें बाबा के दरबार में ब्लड कैंसर ठीक होने का दावा किया गया। हाथरस के सत्संग में ही नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी नारायण साकार हरि कई आयोजनों को लेकर विवादों में घिर चुका है।
कोरोना काल में फरुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने इस सत्संग में 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी थी, लेकिन नारायण साकार हरि ने वहां 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटा ली, जिससे फरुखाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सूत्रों का कहना है कि नारायण साकार हरि के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी पहले से दर्ज हैं। लोगों की जमीन हथियाने से जुड़े भी कई केस कोर्ट में चल रहे हैं।